और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक का शव रविवार को उनके घर के पास पूर्व स्थलीय इलाके में एक तालाब से मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्वी वर्धमान में हुई इस हत्या के पीछे भी तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी अब हर मौत का राजनीतिकरण कर रही है। वहीं सुखदेव प्रामाणिक के परिवार का कहना है कि प्रामाणिक की हत्या के बारे में परिवार ने भी सामने आकर बोला है। मौत को जिस तरीके से एक तरह राजनीतिक कारण बताया गया, वहीं सुखदेव प्रामाणिक के परिवार का कहना है कि प्रामाणिक बीते 2 दिनों से गायब थे। 2 दिन पहले वो एक रैली में हिस्सा लेने घर से निकले थे।